हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ में दो ऐसे प्रोजेक्ट शेयर करने वाला हूं। अगर आपने रिस्क ले लिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट हो सकता है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टाइटल जो मैंने पुटअप किया वो यही है कि टॉप 2 ऐसे क्वाइन शेयर करने वाला हूं जो आप सभी लोगों को 100x तक भी प्रॉफिट दे सकते हैं। और जो दो ये क्वाइन सेलेक्ट किए हैं मैंने, वो पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, कहीं ना कहीं इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर लोगों की नजर रहती है और उसमें लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। करंट सिचुएशन की बात कर लें तो जो इनकी डेवलपर टीम है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, एक्टिव है, और इसकी वजह से इनकी रेगुलर बेसिस पर न्यूज और अपडेट्स निकल करके आती रहती हैं। और पर्सनली मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर भी करता रहता हूं। उसके बाद में बात करेंगे पूरी दुनिया के जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी लोग भी यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। पूरी दुनिया के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, उन लोगों ने भी इन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है। और जितनी भी बड़ी बड़ी व्हेल्स हैं, उन लोगों ने भी इस दोनों प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद में बात करेंगे ये दोनों जो प्रोजेक्ट हैं वो SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और दूसरा जो स्ट्रेटजी होता है DCA डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ये दोनों स्ट्रेटजी जो हैं वो एप्लीकेबल हैं इन दोनों प्रोजेक्ट में। आप लोग SIP भी कर सकते हैं, आप लोग डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे यहां पर जो फर्स्ट नंबर का प्रोजेक्ट है वो है जिलिका। नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, और ये जब से मार्केट में प्रोजेक्ट आया है तब से लेकर के आज तक मैं इस क्वाइन में ट्रेडिंग भी करवाता हूं, इन्वेस्टमेंट भी करवाता हूं, और बहुत सारे वीडियोस भी इनके ऊपर बनाए हैं। जब ये क्वाइन बहुत सस्ता मिलता था तब भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। और अगर हम करंट सिचुएशन में रैंक की बात कर लें तो 88 रैंक पर बिलोंग कर रहा है। कहने का मतलब इतना ज्यादा बियर मार्केट चल रहा है, उसके बाद में भी अपने रैंक को इसने मेंटेन किया हुआ है। एक्सचेंजेस की बात कर लें तो पूरी दुनिया के जितने भी अच्छे अच्छे कैटेगरी के एक्सचेंजेस हैं, लगभग आपको हर एक एक्सचेंज पर मिल जाएगा, चाहे वो सेक्स की बात कर लें या फिर डेक्स की बात कर लें, सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो या फिर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो या फिर इंडियन एक्सचेंज हो, जितने भी एक्सचेंजेस हैं लगभग आपको हर एक्सचेंज पर ये क्वाइन मिल जाएगा। इसका शॉर्ट नेम की बात कर ले तो ZIL के नाम से ये क्वाइन मिल जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 6 मई 2021 को बनाया था, जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगभग 68-69,000 डॉलर के आसपास गया था। और जिलिका क्वाइन जो था वो 0.25 डॉलर के आसपास गया था। आप लोग खुद सोचिए कितने जबरदस्त तरीके से इसमें रैली आई थी और लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट मिला था। और इसके हम ऑल टाइम लो की बात कर लें तो 13 मार्च 2020 को इसने ऑल टाइम लो बनाया था, जब बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही जबरदस्त तरीके से डंप हो गया था लगभग 3500 डॉलर के आसपास। और इसका जो प्राइस डंप हुआ था वो 0.0023 के सीरीज में आ चुका था और बहुत ही ज्यादा डंप हो गया था इसका रेट। उसके बाद में बात करेंगे अगर हम करंट सिचुएशन की बात कर लें, जो अभी करंट प्राइस चल रहा है अगर हम स्टार्टिंग फेज से कंपेयर करते हैं तो 605.20 वहां पे या परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है। आप लोग खुद सोचिए कि 652% का अभी भी प्रॉफिट मिल रहा है जिन लोगों ने बॉटम में एंट्री लिया होगा, जिन लोगों ने स्टार्टिंग फेज में इन्वेस्टमेंट भी किया होगा। उसके बाद में बात करेंगे अगर हम यहां पर ऑल टाइम हाई से करंट डिस्काउंट की बात कर लें तो 92.5% के आसपास आप सभी लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है। सो आप लोग खुद सोचिए कितना जबरदस्त प्रोजेक्ट है, और 95% के आसपास जो है वो प्रोजेक्ट आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए भी मिल रही है। सेकंड जो प्रोजेक्ट मैंने चूज किया है उसका नाम है VChain, और इस प्रोजेक्ट को पर्सनली मैं 2016 से जानता हूं, इसमें इन्वेस्टमेंट भी करता हूं, ट्रेडिंग भी करता हूं। और जो लोग पुराने खिलाड़ी होंगे उन सभी लोगों को यह नाम जरूर पता होगा। अभी करंट सिचुएशन में जो इसका शॉर्ट नेम हुआ है वो VET है। इस क्वाइन का पहले जो 2016-17 में नाम होता था VEN नाम से होता था, तो जो पुराने खिलाड़ी हैं उन सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। रैंक की बात कर लेते हैं तो 33 रैंक पर ये बिलोंग कर रहा है। रैंक अपनी बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेंटेन किया हुआ है। एक्सचेंजेस की बात कर लें तो पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं, लगभग हर एक एक्सचेंज पर ये क्वाइन आपको मिल जाएगा।
उसके बाद में बात करेंगे ऑल टाइम हाई की, तो 19 अप्रैल 2021 को इसने बनाया था $0.28 के आसपास। और अगर हम इसके ऑल टाइम लो की बात कर लें तो 13 मार्च 2020 में इसका ऑल टाइम लो बना था जो यहां पे $0.0019 के आसपास था। तो आप लोग खुद सोचिए, कहीं ना कहीं इसमें जबरदस्त तरीके से रैली भी आई है, लोगों को एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिला है और 762% का रिटर्न जो है अभी भी ये प्रोजेक्ट दे चुका है जिन लोगों ने बॉटम में एंट्री किया होगा, इतने ऊपर अभी भी ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि 94% आपको इस प्रोजेक्ट में डिस्काउंट मिल रहा है। सो आप लोग खुद सोचिए, कहीं ना कहीं इतना अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत ही सस्ते दामों में आपको मिल रहा है, एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद में बात करेंगे कुछ शॉकिंग डाटा की, क्योंकि मैं पर्सनली 2015-16 से बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री में हूं और दोनों क्वाइन को मैंने ट्रेड भी किया है। जो जिलिका क्वाइन था वो 2018 में आया था और जो वीचेन क्वाइन है वो तो बहुत ही पुराना है। तो जितने भी पुराने खिलाड़ी हैं उन सभी लोगों को पता है कि जिलिका क्वाइन हो या वीचेन क्वाइन हो, दोनों क्वाइन को मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, ट्रेडिंग भी करवाया है, इन्वेस्टमेंट भी करवाया है। और चाहे हम जिलिका क्वाइन की बात कर लें तो 110x का रिटर्न इस प्रोजेक्ट ने दिया है। और दूसरी बात, जो वीचेन प्रोजेक्ट है इसने 150x का रिटर्न दिया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जिसने भी अगर 1,00,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो इन प्रोजेक्ट में आपका 1,00,000,000 रुपए हो जाता। आप लोगों के सामने प्रूफ है, जिसने भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया होगा वो करोड़पति जरूर बन गया होगा। और मिलीनियर बिलीनियर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में बनना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया और एक महीने बाद आप मिलीनियर बिलीनियर तक पहुंच जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में आपको करोड़पति बनना है तो कम से कम आपको 3 से 4 साल का टाइम पीरियड देना होगा और उसके साथ में बहुत सारी स्ट्रेटजी भी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आप करोड़पति बन पाएंगे। अगर हम जिलकॉइन की बात कर ले, करंट प्राइस जो चल रहा है वो $0.017 के आसपास है। अब यहां पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि आखिर इसके बाइंग प्राइस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप करंट प्राइस में बाई करना चाहते हैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट आप लोग करंट प्राइस में भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहां से क्या हो सकता है कि बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है और आप लोगों को सस्ते दामों में ये क्वाइन मिल रहा है। तो $0.017 के आसपास करंट प्राइस में आप लोग बाई कर लीजिएगा। सेकंड बाइंग जोन में आपको बता देता हूं, $0.0110 के आसपास, जी हां, $0.01 के आसपास बाई कर लीजिएगा। यह भी एक बहुत अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और इन केस 2023 में मार्केट बुरी तरीके से डंप होती है तो आपको ये क्वाइन $0.008 के आसपास मिल जाएगा। कहने का मतलब, यहां से भी 50% 100% तक प्राइस नीचे जाने के चांस भी हैं। और अगर वीईटी क्वाइन की बात कर ले, वीचेन की, तो करंट प्राइस $0.016 के आसपास चल रहा है। $0.012 जो इसकी सेकंड बाइंग जोन है, यहां पर भी आप लोग बिड लगा सकते हैं। और थर्ड बाइंग जोन जो है वो $0.007 के आसपास। और उसके बाद में जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इस प्रोजेक्ट में कि 2023 में ये इसमें 10 इंक्रीज भी हो सकता है प्राइस में, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी करंट सिचुएशन में मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज में ही चल रही है, अभी कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है मार्केट पंप होने के। तो ये चीज आप लोगों के लिए जानना जरूरी था। और यहां पर करंट सिचुएशन की बात कर ले तो अभी पूरा प्रोजेक्ट, चाहे वो वीचेन की बात कर ले चाहे वो जिलिका की बात कर ले, दोनों अच्छे खासे कैटेगरी के प्रोजेक्ट हैं। करंट सिचुएशन में बेस्ट कैटेगरी में ये प्रोजेक्ट आते हैं। और अगर इनके कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है या फिर कोई भी निगेटिव न्यूज आती है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। सो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, मेक श्योर ज्वाइन जरूर कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, मीडियम टर्म के ट्रेडर हैं और फ्यूचर या मार्जिन ट्रेड करते हैं तो आप लोग इन प्रोजेक्ट से दूर रहिएगा, क्योंकि अभी के सिचुएशन में ये सारी चीजें ट्रेड करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर लें तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाद में बात करेंगे यहां पर, अगर हम रिस्क रेशियो की बात कर लें तो प्राइस अगर करंट प्राइस पे जो चल रहा है यहां से भी 50% करेक्शन के चांसेस हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना है आपको, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग DCA स्ट्रेटजी का यूज करना है।
पार्ट्स में बाई करना है और उसके बाद में फॉर प्रॉफिट बुकिंग के लिए क्या करना है, जब भी यहां पर मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी 5x 10x का रिटर्न आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जब मार्केट या पोर्टफोलियो आपका 5x 10x चला जाएगा तो इसमें सबसे पहली कंडीशन यह होगी कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है कैपिटल अमाउंट आपको सबसे पहले बाहर कर लेना है। और यह चीज कब करना है, अगर आप लोग इसके बारे में भी जानना चाहते हैं, जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं एग्जिट भी करवाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखिए। उसके बाद में बात करेंगे यहां पर अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अगर आपकी कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ $50 की है तो आप लोग $50 इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी $100 की है तो आप लोग $100 भी कर सकते हैं। जो भी आपकी कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, आउट ऑफ कैपेसिटी किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है और प्रॉफिट भी बहुत ही ज्यादा होता है। तो हाई रिस्क और हाई रेशियो जो है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री नहीं हर एक इंडस्ट्री में लागू होता है। सो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और इस प्रोजेक्ट में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है या फिर नहीं किया है वो भी कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर इन दोनों पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि इन दोनों प्रोजेक्ट का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस किया जाए, पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए 10 से 15 मिनट का सिंगल वीडियो, तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आने वाले टाइम में हम जिल्का और वीचैन को बहुत ही जल्द कवर कर देंगे। और उसके बाद में अगर आप हमारे प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी करवाते हैं, ट्रेडिंग भी करवाते हैं, दोनों ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और छोटा सा डिस्क्लेमर आप सभी लोगों के लिए, अगर आप इन दोनों प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैंने अपनी रिसर्च स्टडी एनालिसिस बता दिया है, अगर आपका मन है इन्वेस्टमेंट करने का तो आप लोग भी थोड़ा सा रिसर्च स्टडी कर लीजिएगा और उसके बाद में लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। आज के वीडियो में यही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो में मजा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।